तभी तो ठीक है, चलिए शब्द प्रमाण नहीं मानते, अर्थापत्ति प्रमाण तो मान लीजिए। हम नहीं आए तो परास्त हो गया, उसके चारों प्रमाण उड़ गए। अब मीमांसक प्रभाकर विशेष तौर पर यदि वो भी मानते ही हैं, बाट भी प्रभाकर अनुपति को नहीं मानता, केवल अर्थापत्ति तक ही रुकता है। पांची प्रमाण प्रभाकर जो है पांची प्रमाण माना, इसलिए मुख्य तौर पर यहाँ प्रभाकर ही रहेगा अर्थापत्ति को सिद्ध करने के प्रयास। का पुनर्थापत्ति अभी मैंने अर्थापत्ति पर क्या होएगा, मैंने उसके क्या लक्षण कर सकोगे आप, उसकी भी नहीं कर सकेंगे, वो भी अनिर्वचनीय, वो भी निरस्त हो गया। ऐसे आक्षेप पर वाक्य के द्वारा खंडन कर दिया। यहाँ पर भी होता है अर्थापत्ति शब्द अर्थस्य आपत्ति अर्थापत्ति, इस व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थापत्ति प्रमा और अर्थस्य आपत्ति यथ ये ना सार्थापत्ति, इस व्युत्पत्ति के अनुसार वो प्रमाण कोटि में चला जाता है। इसे प्रमा और प्रमाण दोनों शब्द एक ही प्रयोग हो रहा है अर्थापत्ति। प्रमाण विशेष खंडन के अवसर चल रहा है, इस अर्थ प्रमाण के विषय में प्रश्न उठाते हुए खंडन करते ये भी नहीं हो सकता। शबर स्वामी अर्थापत्ति का लक्षण करते हैं, अर्थापत्रपि दृष्टा श्रुतो वा अर्थो अन्यथा अनुपपत्ते इति अर्थकल्पना। अर्थापत्ति चाहे दृष्ट विषय को चाहे श्रुत विषय को, दो ही प्रकार दृष्ट और श्रुत। वह अर्थ जब दृष्ट या श्रुत अन्यथा अनुपपत्ते, किसी बात को स्वीकार किए बिना यह उपपन्न नहीं होवेगा, अन्य प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता, उस स्थिति में जो अर्थ की हम कल्पना करते हैं उसी के नाम अर्थापत्ति है। यथा जीवतो देवदत्तस्य ग्रहभाव दर्शन बहिर्भावस्य दृष्टस्य कल्पना। जीवतो देवदत्तस्य, किसी ज्योतिष से यज्ञदत्त था कोई आदमी, उसका मित्र है देवदत्त, और यज्ञदत्त बहुत वर्षों से देवदत्त में मिला नहीं था। पहले गुरुकुल में मित्र थे, ये अपने गांव गए, वो अपने गांव गए, शादियाँ हो गई, अपने अपने मस्त हैं। अब यज्ञदत्त के मन में आया भाई हम मिलते हैं अपने मित्र से, इन मन में आया संशय हुआ कि जिंदा है कि मरा है पता नहीं, लेकिन उसका तारीख वगैरह मालूम था, ऐसे ज्योतिषी के पास गया, पूछा भाई हमारे मित्र देवदत्त कई तिथि वगैरह है, इसे कुंडली बना के देखिए, यदि जीवित हो तो मैं जाऊँ उसके गाँव, नहीं तो कहाँ जाऊँगा, बेकार की जगह क्या फ़ायदा। ठीक है, उसने कुंडली बनाई, बताया आप निश्चिंत रहो आपके मित्र शतजीवी हैं, बुरा 100 साल जीने वाला है। ये सुन करके वो चल पड़ा, गया तो वहाँ क्या देखा, जीवतो देवतस्य, विशेषण दिया जीवतो, मृत नहीं, जीवतो देवदत्तस्य गृह अभाव दर्शन। यज्ञ देवदत्त के घर पहुँचे यज्ञदत्त, वह देख रहा है देवदत्त घर में नहीं है। बहिर्भावस्य दृष्टस्य, यदि बहिर्भाव अभी देखा नहीं उसने कहाँ है बाहर में, अदृष्ट की ऊपर कल्पना कर लेता है ये 100 साल जिंदा वाला है और घर में नहीं है, और संभावित उसकी पत्नी जो आई है सामने दरवाज़ा खोली है वो उसकी पत्नी है, उसकी पंच जो भूषण विशेष माने जाते स्त्री का विवाह में दिया जाता है सिंदूर वगैरह मांगल्य सूत्र वो सारे उसमें दिखाई दे रहे हैं, आप जिनको खोज रहे हैं उनकी पत्नी मैं हूँ, वो इस समय घर पे नहीं है, वो समझ गए इसका मतलब जिंदा पक्का हो गया उसको और ये जिंदा है, तो बाहर है करके अदृष्ट बाहिद सत्व का वो कल्पना कर लेता है, इसी का नाम अर्थापत्ति है, ऐसे शावर भाष्य में कहा गया। और कुमारल भट्ट ने इसको प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इन 5 प्रमाणों से किसी भी प्रमाण के द्वारा प्रमित पदार्थ का भाष्यस्थ दृष्ट शब्द से लेना, और शब्द प्रमाण के द्वारा जो प्रमित पदार्थ है उसको श्रुत पद के द्वारा लेना, अरे पूरे 6 प्रमाणों से आप अर्थापत्ति कर सकते हैं। दृष्ट है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि से, और श्रुत है शब्द प्रमाण से। जो पदार्थ उसके अन्यथा अनुपन्न होने पर जो हम कल्पना करें उसका नाम अर्थापत्ति,
अथवा छह प्रकार का अर्थापत्ति हो जाता है। प्रत्यक्ष पूर्विका अर्थापत्ति, अनुमान पूर्विका अर्थापत्ति, उपमान पूर्विका अर्थापत्ति, शब्द पूर्विका अर्थापत्ति, अर्थापत्ति पूर्विका अर्थापत्ति और अनुपलब्धि पूर्विका अर्थापत्ति। पहले एक सामान्य अर्थापत्ति कर लेंगे, उसे विशेषतर ग्रहण ले कर लेंगे, अर्थापत्ति पुनर्करेंगे। उन्होंने कहा है प्रमाण षटक विज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत् अदृष्टम कल्पेद अन्यम सार्थापत्तिरुदाहृता। दृष्टा पंचवृप्यस्माद् भेदे नोक्ता श्रुतोद्भवा प्रमाण ग्राहिणीत्वेन यस्मात् पूर्व विलक्षणा। प्रमाण षटक विज्ञातो यत्र अर्थ, प्रमाण षट के द्वारा विज्ञात जो प्रामाण्य भूत पदार्थ प्रामाणिक पदार्थ है वह नान्यता भवेत, जिसकी कल्पना के बिना उपपन्न नहीं हो सकता। ऐसा जो अदृष्टम कल्पेद अन्यम, ऐसे जो अन्य अदृश्य कल्पना की जाती है सार्थापत्तिरुदाहृता, उसके अर्थापत्ति करके कहा जाता है। और पंचमी दृष्टा अस्मात् और श्रुतोद्भवाच भेदेन उक्ता, जो पांच प्रमाण ग्रह हमारे द्वारा गृहित है अथवा शब्द के द्वारा श्रुत है, अच्छा प्रकार के भेद से प्रमाण ग्राहिणीत्वेन, प्रमाण ग्राही ये सारे के सारे हैं, होने से उनके द्वारा गृहित जो पदार्थ है वह यथार्थ या मिथ्या या भ्रम या संशय नहीं हो सकता। अतः उसकी उपपत्ति के लिए हमें कुछ अन्य की कल्पना करनी पड़ती, यस्मात् पूर्व विलक्षणा, जिससे जिस पूर्व के अपेक्षा से विलक्षण है, ऐसे एक विलक्षण चीज की कल्पना करता है। पूर्व क्या था, ग्रह असत्य से निश्चय किया देखा है और उसके माध्यम से वही सत्ता का जो अर्थापत्ति करता है, इसी को हम अर्थापत्ति प्रमाण और उसके ज्ञान को अर्थापत्ति प्रमा कहते हैं, ये उनका मानना है। इसे उनका सबसे पहला ग्रहण करना, ग्रहण करने का स्वभाव अन्यथा अनुपत्ति, इसे उनका सबसे पहला लक्षण होता है अन्यथा अनुपपत्ति ही, ये उनका सबसे पहला लक्षण है। यदि उसको लक्षण मान के चलते हैं कति लक्षण नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यदि चेन्ना ये तो अन्यतम तत्सिद्धेर अग्रे तद सिद्धे है। हम पूछते हैं अन्यता अनुपपन कह रहे हो, आपका कहने का आशय यह हुआ कि बहिसत्व के बिना जीवित देवदत्त के ग्रह में असत्व अनुपपन है, बहिसत्व के बिना जीवी देवदत्त का ग्रह में असत्व जो अनुभव कर रहा है प्रत्यक्ष, वो अनुपपन है जो दृष्ट है। दृष्ट क्या है, गृह असत्व, और अन्य प्रमाण से ज्ञात हो गया वो जीवित है, जीवी देवदत्त का गृह असत्व दृष्ट हो गया, वह बहिसत्व के बिना नहीं हो सकता। क्या आपका कहना है, बहिसत्व के बिना नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या, बिना का प्रतिकोण है बहिसत्व, बहिसत्व अभाव है, बहिसत्व अभाव है, देवता से जीवितत्व न संभवती। यदि बहिसत्व भी नहीं है, ग्रह असत्व है और बहिसत्व भी नहीं है, फिर देवता जिंदा ही नहीं हो सकता, जीवित नहीं हो सकता वो। यदि वो जीवित नहीं है, उसकी पत्नी सुमंगली कैसे है, विधवा होना चाहिए, और ज्योतिषी ने जो बोला सतजीवी वो झूठा हो जाएगा, ये आपका कहना, इसी को अन्यथा अनुपत्ति आप कहना चाहते हैं। लेकिन हमारे आपसे प्रश्न है, आपने कहा बहिसत्व के बिना, मैंने बहिसत्व के अभाव यदि है तो देवत जीवित तो संभव नहीं है, एतार्थ तुम्हारे जो युक्ति है, इस युक्ति में बहिसत्व के अभाव आपने लिया, उस अभाव का प्रत्यय कौन है, बहिसत्व, उसका पहले ज्ञान है या नहीं बताओ, प्रत्योगिक ज्ञान के बिना उसका अभाव ज्ञान होगा क्या, यदि पहले से उसको ज्ञात है तो पहले से सिद्ध हो गए, फिर बहिसत्व अर्थापत्ति करेगी क्या, वो कहते हैं ये तो अन्यतम, जिससे अन्यत्व आप लाना चाह रहे हैं तत्सिद्धे,
यदि वो पहले से उसको प्रमित है तत् अग्रे सिद्धे, वह बात पहले से ही यदि उसको ज्ञात है कि प्रतियोगी ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं हो सकता। कि उनकी प्रक्रिया क्या है, ये वास्तव में प्रक्रिया है, ज्योतिष शास्त्र से उसने वर्ष शत जीवी देवदत्ता ये जान लिया, उसे ज्ञान होने पर उसने एक अनुमान कर लिया देवदत्त क्वचित अस्थि, सामान्य ज्ञान के समझ दृष्टा अनुमान करता है देवदत्त निश्चित कहीं ना कहीं है। क्यों? वर्ष शत जीवित्वात्, वर्ष शत जीवित्वात्। दृष्टांत कहाँ लेगा? खुद में लेगा। अरे मैं भी तो इस समय घर में नहीं हूँ, निकल चुका हूँ देवत से मिलने के लिए, जिंदा हूँ मैं, जिंदा रहते हुए मैं घर में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं बाहर हूँ, ये तो मेरा अनुभव, मैं बाहर खड़ा हूँ, घर से बाहर हूँ। इसलिए वो कहेगा यत्र यत्र जीवितत्व सति ग्रह असत्तम, यत्र यत्र जीवितत्व सति ग्रह असत्तम तत्र तत्र बहिसत्तम भवति, यथा आम एवं, जैसे मैं खुद हूँ। और जिसलिए देवदत्त में जीवतत्व निश्चय हो चुका और वहाँ जानकर उसको, इसे पहले हेतु में जोड़ेंगे नहीं ग्रह सत्व को, पहले हेतु क्या है सामान्य कर रहा हूँ, सामान्य दृष्टा अनुमान विशेष नहीं है, सामान्य दृष्टा में ये कहूँगा कहीं ना कहीं वो है, घर में होगा बाहर होगा कहाँ होगा पता नहीं, कहीं ना कहीं वो है। यत्र यत्र जीवितत्वं तर तर क्वचित सत्वम यथा अहमेव, सामान्य दृष्टा अनुमान। इसे जीवी देवदत्ता क्वचित सत्वम, क्यों? शत जीवित्वात् यथा अहमेव, ये सामान्य दृष्टा अनुमान उसने कर लेता है। करने के बाद वह घर पे गया, घर में पूछा तो पता चला देवदत्त घर में नहीं है, गृह असत्व का हेतु उसको दिखाई दिया। तब अब अगला विशेषण मान जब करेगा तो क्या करेगा, जीवी देता बहिसत्वम, क्वचित सत्वम नहीं बोलेगा भी, जीवी देता बहिसत्वम, हेतु क्या देगा, शत जीवितत्व सति गृह असत्वात् यथा अहम एव दृष्टांत, जैसा मैं भी यज्ञ देता हूँ, जैसा पक्ष देवदत्त लिया वह बहिसत्वम, और खुद में घटाएंगे तो क्या होगा, दृष्टांत मैंने सपक्ष मैंने खुद मुझ में मैं कैसा हूँ, मैं भी शतजीवी होते हुए इस वक्त घर में नहीं हूँ, अगले गांव में आ चुका हूँ, अर्थात इसलिए क्या सिद्ध हो रहा है, मैं बाहर हूँ, स्वगृह में न रहते हुए मैं जीवित होने के नाते यह निश्चय हो रहा है मैं इस समय बाहर में हूँ, खुद में ग्रहण कर लेगा। इसलिए नहीं है कहा लेकिन उसको तो अनुमान से मान लेते हैं, अर्थापति की जरूरत नहीं कहते, सब सिद्ध हो गया अनुमान से ही, लेकिन कहते नहीं वास्तव हुआ क्या, वो ग्रह असत्व क्या है, वो जो आपको अनुभव दिया देखा वो अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है, वो हेतु नहीं है, अभाव ज्ञान है ना, गृह में अभाव का जो ज्ञान हुआ है वो अनुपलब्धि प्रमाण का विषय है। तो अनुमान सामान्य के द्वारा क्वचित सत्व निश्चय हुआ और अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा गृह असत्व का निश्चय हुआ, दो प्रमाण ज्ञान है, परस्पर विरोध हो रहा है। कैसा विरोध है, यदि गृह में नहीं है फिर शत जीवित तो कैसे होगा, लेकिन शत जीवित जो ज्ञान हुआ वो भी प्रामाणिक है, गृह असत्व ज्ञान वो भी प्रामाणिक है, दो प्रामाणिक ज्ञान का टक्कर हुआ, इसकी उपपत्ति के लिए हमें बहिसत्व की कल्पना करनी पड़ेगी, यही कारण अर्थापत्ति कि बहिसत्व के बिना ये दोनों प्रामाणिक ज्ञानों की प्रामाण्यता नहीं बन सकती। बहिसत्व भाव है, ये दोनों हमने ज्ञान जो किया है वो असत्य हो जाएगा, अतः बहिसत्व की हमने कल्पना किया, ये आपकी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आपने कहा यदि बहिसत्व नहीं होगा तो जीवित से ग्रहसत्व भी घटेगा नहीं, यहां पर यदि नहीं होगा बोल रहे बहिसत्व नहीं होगा, मैंने बहिसत्व का भाव उसका प्रत्यय कौन है बहिसत्व, उसको यदि आप पहले से जानते हो क्या, यदि प्रतियोगी का ज्ञान नहीं है तो तर्क कहां से उठा, यदि बहिसत्व नहीं है तो
जिसे ग्रहसत्व भी नहीं हो सकता, मैंने मृत होगा वो निश्चय होगा। निश्चय क्या कर रहे, तर्क दे रहे हो आप, तर्क आप दे रहे हैं। तर्क के यदि वो बहिसत्व नहीं है फिर अमृत है ये कह रहे हैं आप, ये मजाक नहीं हो रही ना। उसका बहिसत्व नहीं का मतलब क्या, गृहसत्व निश्चय हो चुका मैं जाना पड़े प्रमाण से, और बहिसत्व भी नहीं है इसका मतलब क्या, मरा है। फिर शतजीवित ज्ञान जो था वो विरोध हुआ कि नहीं होगा, इसे बहिसत्व का अनुमान आपको अर्थापत्ति करनी पड़ेगी। जिसको अनुमान में लेते हैं ये अर्थापत्ति में लेते, कभी अनुमान नहीं कर सकते कि दो प्रामाणिक ज्ञान अलग अलग ज्ञान है, दो अलग अलग प्रामाणिक ज्ञान होने के नाते उस पर आप अनुमान कैसे करेंगे, व्यक्ति ग्रहण नहीं हुआ ये उनका कहना है। उस पर हमने पूछा विना का तात्पर्य ये तो अन्यतम, जिससे आप अन्यत्व ग्रहण कर रहे हो वह अग्रे सिद्ध, उसको पहले से ज्ञात दे है तो तद असिद्ध से अर्थापत्ति का प्रयोजन नहीं रह गया। पहले से आपने बहिसत्व निश्चय हो चुका, प्रतियोगिक ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान होता नहीं, सामान्य नियम है। इसलिए इनका कहना है भयसत्व अन्यथात्व रूपा उपपादक का ज्ञान प्रतियोगिक ज्ञान अधीन है। भयसत्व के अन्यथात्व, भयसत्व के बिना भयसत्व के अभाव रूपा जो उपपादक है उसका ज्ञान प्रतियोगिक ज्ञान के अधीन है। अतएव यदि पहले ही प्रतियोगीभूत भयसत्व ज्ञान हो चुका आपको, फिर अब अर्थापत्ति भयसत्व की सिद्धि में क्या काम करेगी, व्यर्थ हो जाएगी। सिद्धे न अनुपत्ति रीति चेत न, अगर देवदत्त का बहिसत्व अर्थापत्ति का मुख्य फल है वो सिद्ध नहीं पहले से, पहले से क्या सिद्ध है, फिर पहले से इतना ही सिद्ध है सामान्यतः सिद्ध है, बहिसत्व सामान्यतः सिद्ध मानूंगा, विशेषतः सिद्ध नहीं है, अर्थापत्ति अर्थापत्ति होगी एक तरह से। सामान्यतः बहिसत्व सिद्ध हो गया था, सिद्ध होने पर भी कुछ हानि नहीं है, बहिसत्व की प्रथमतः सामान्यतः सिद्ध होने के बावजूद भी कोई दोष नहीं होता, क्योंकि बहिसत्व के बिना अनुपत्ति अर्थापत्ति प्रमाण करण होता है, क्योंकि हम फलभूता मानेंगे बहिसत्व का निश्चय, वह फल का निश्चय विशेष तौर पर देवदत्त का बहिसत्व ना विशेष है, इसके लिए हम पहले बहिसत्व सामान्य सिद्ध करूँगा अपने से, मैं बाहर हूँ सामान्य ज्ञान है। ये सामान्य बहिसत्व को सिद्ध होने के बावजूद भी विशेषतः बहिसत्व अभी देवदत्त में सिद्ध नहीं है, उसके लिए अर्थापत्ति की जरूरत है। सिद्धे न अनुपत्ति चेत न, सिद्ध जो सामान्यतः सिद्ध के द्वारा विशेषत की अर्थापत्ति हम कर लेंगे, यदि चेत न यह भी नहीं हो सकता। हम आगे पूछते हैं जो आपने कहा विशेषण भूता सिद्धे न सामान्यतः सिद्धे न, वह भी क्या आपको प्रतीत है या अप्रतीत है? यदि प्रतीत हो चुका है फिर सामान्यतः विशेष का निश्चय हो ही जाएगा ना, क्या जरूरत है अनुमान कर लो, फिर सामान्य सिद्ध आपका हेतु है ये सामान्य ज्ञान। जिस धूम का सामान्य ज्ञान होने से पर्वतीय वन्य सिद्ध कर लेते हो, फिर सामान्यतः बहिसत्व की सिद्धि होने से देवत्व बहिसत्व सिद्ध हो जाएगा, अर्थापत्ति की आवश्यकता रह गई। और अब दूसरे पक्ष केवल व्याख्या दे रहे, विशेषण विशेषण व्यवच्छेद्य प्रतीत, विशेषण के द्वारा व्यवच्छेद्य की अप्रतीति हो तद वैर्थ्य न, फिर तो अर्थापत्ति व्यर्थ हो जाएगा। व्यवच्छेद्य कौन है बताओ, विशेषण जो दिया सिद्धेना सामान्यतः बहिसत्व का प्रतीति है, वह प्रतीति किसको विवच्छेदन करता है, व्यवच्छेद्य कौन है उसका? सिद्धेना अन्यथानुपत्ति आपने विशेषण दे दिया, अन्यथानुपत्ति थी लक्षण सिद्ध ने जोड़ दिया, सिद्धेना शब्द का अर्थ है प्रतीतेना या प्रतीत, उस विशेषण का विवेचित कौन होगा उस पर निर्भर है। हमेशा विशेषण इतर व्यावर्तन के लिए होता है, जाति व्याप्ति और इस व्यावर्तन करने के लिए। बहिसत्व का जो अन्यथानुपत्ति लक्षण है वो कांति व्याप्ति हो रही थी, उसे निवारण करना आपने दे दिया बहिसत्व विशेषण सिद्ध है ना सामान्य ज्ञात है ना, ये जोड़ने क्या जरूरत थी। यदि व्यविच्छेद कुछ भी नहीं है फिर तो अर्थ यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, लक्षण यह असंभव हो जाएगा। यदि प्रतीत है तो भी पहला जवाब पहले वाला जवाब अर्थापत्ति व्यर्थ है। यदि बहिसत्व रूपा सामान्य ज्ञान सिद्ध है आपको, प्रमाण है आपको, उसी से ही विशेष का ज्ञान हो जाएगा, जरूरत नहीं अर्थापत्ति की। यदि उसकी प्रतीति नहीं हो रही है
विवच्छेति का ज्ञान नहीं मुझको, हमने विषय जी ने जोड़ दिया। कहते ऐसा आप नहीं कह सकते, यदि विशेषण के द्वारा विवच्छेति की अप्रतीति है फिर तो अर्थ पतिव्रत हो जाएगा। दृष्टा प्रतिज्ञा है उसको दो बात परमाज्ञान दृष्ट हुआ है, ये तो ज्योतिष के द्वारा परमाज्ञान मिला और दूसरा ग्रह असत्व का परमाज्ञान मिला है, दोनों दृष्ट है, इन दृष्टि के आधार पर कर रहा है। श्रुतार्थापत्ति में शब्द को लेकर विचार होता है, उसने शब्द सुना था, उस शब्द का सामान्य ज्ञान था, वेद में इसका अर्थ मालूम नहीं था, ये वह सब वहाँ होगी, यानी विचार चल रहा है दृष्टार्थापत्ति का इस समय, यहाँ शब्द प्रमाण से कोई लेन देन नहीं है। विशेषण विवच्छेद्य प्रतीत तद्वैर्थ्य न तद अनुपादन है, तब ऐसा करो ये अन्यथा शब्द दो ही मत, अन्यथा शब्द देने में समस्या हो ना, जिससे अन्यथा सिद्ध करना चाह रहे हो उसकी प्रतियोगी ग्रहण हो जाएगा, वो प्रतियोगी बनेगा, इसके बिना कहने से बिना को प्रतियोगी बनेगा, प्रतियोगी ज्ञान नहीं आ नहीं, ये सामर्थ्य ज्ञात है कि विषय सामर्थ्य अज्ञात है, उसके विच्छेद ज्ञात है या विच्छेद अज्ञात है, ये सारे बात तब उठती है ना जब अन्यथा का विशेषण दूँ, तो अन्यथा शब्द ही हटा दो, इतना लक्षण बनाओ। अनुपपत्ति रेव अर्थापति प्रमाणम, अनुपपत्ति ही अर्थापति प्रमाण है ऐसा कह दूंगा, अनुपपत्ति को ही अर्थापति प्रमाण लक्षण बना दूंगा। तद अनुपादाने मैंने अन्यथा शब्द का अनुपादाने, वहाँ विकल्प उठेगा फिर, अनुपपत्ति सिद्धे न नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या, एक विशिष्ट प्रकार से नहीं होने का मतलब कि अन्यथा शब्द का अर्थ क्या, थाल प्रत्यय हुआ ना प्रकार अर्थ में, प्रकार वचन है थाल, व्याकरण का सूत्र है, अन्येन प्रकारेण इति अन्यथा, ये शब्द आपने हटा दिया, अन्य प्रकार से अनुपन्न हो रहा था इसीलिए हमने वही शब्द की कल्पना कर ली। अब अन्यथा को हटाने का तात्पर्य निकलेगा सर्वथार्थ लेनी पड़ेगी या कथम येन केन प्रकारेण, सर्व प्रकारेण वा येन केन प्रकारेण वा, अन्य प्रकारेण का हटा देने से, अन्यथा शब्द हटाने का मतलब कि अन्य प्रकारेण विशेषण हटा दिया तो वह सर्व प्रकारेण अर्थ आ जाएगा या येन केन प्रकारेण विकल्प उठेगा, कौन सा कहना चाहते हो, सर्वथा अनुपत्यर्थतायाम फल विरोधात, सर्वथा आप कहोगे तो सर्व प्रकारेण अनुपत्तित्वात्र को करण कहें तो अनुपत्ति शब्द का फल के साथ विरोध होने से, फल के साथ ही विरोध हो जाएगा, अर्थापत्ति फल और अर्थापत्ति प्रमाण जो आपने दो माना व्युत्पत्ति बेस से उनमें विरोध हो गया। जब किसी भी प्रकार से अनुपपन्न कहोगे जो फल है वो भी सर्व के अंतर्गत आके नहीं आ गया, सर्व कहने से क्या हो गया, फल भी आ गया, और फल रूपेण भी अनुपपन्न कहना पड़ेगा आपको, फिर फल क्या होगा, इसे सर्वथा ऐसे कह दोगे तो फल के साथ विरोध हो जाएगा क्योंकि सर्व के अंतर्गत तो वो फल भी है, तो उपपादक प्रमा अनुपन्नी हो जाएगी, एवं लक्षण में क्या हो जाएगा, तब लक्षण में असंभव दोष हो जाएगा कि सर्वथा कहने से सर्व के अंतर्गत फलभूत अर्थापत्ति भी आ जाएगी, उस प्रकार से भी अनुपन्न कह दिया मैंने फल भी अनुपन्न हो गया आपके दृष्टिकोण से, जब फल ही अनुपन्न है उस फल के लिए अर्थापत्ति क्या करेंगे। अब भाई आप एक फल के लिए इसको साधन बनाया, अनुपपत्ति लक्षण को, ये प्रमाण है, इस प्रमाण से मुझे ज्ञान होगा, वो ज्ञान का नाम फल है, लेकिन आपने लक्षण में विशेषण दे रहे हैं अभी सर्वथा, किसी भी प्रकार से अनुपपन्न होना ये अर्थ हुआ, सर्वरूपेण अनुपपन्नम और सर्वकोटि के अंतर्गत वो फलभूत है जिसके लिए आप करो वो भी आ जाएगा कि नहीं आएगा, मैंने उस रूप से भी अनुपन्न है वो, मैंने फल रूपेण भी अनुपन्न अर्थ आ जाएगा उसके अंतर्गत, जब फल रूपी अनुभव से भी अनुपन्न है फल को क्यों ला रहे हो, किस फल के लिए कर रहे हो फिर आप, अर्थात प्रमाण असंभव दोषग्रस्त हो जाएगा। तब वो कहता है दूसरी बात, केनापि कह दो यानी केनापि प्रकारेण, तो सर्वतरत व्याप्ति हो जाएगा, किसे किसी भी अर्थापत्ति कर लो फिर, ये न केना भी कह दोगे जिस किसी भी प्रकार से जिस किसी भी चीज़ की अनुपत्ति के आधार पर आप फलोत्पत्ति करने लगोगे तो सर्वत्र अतिव्याप्ति हो जाएगा, केना भी अनुपत्यर्थत्व
साध्य सिद्धि अपर्यवसानात्, तुम्हारा फल ही सिद्धि का पर्यवसान नहीं कर पाओगे। केना भी प्रकार अनुपत्ति मात्रम अर्थापत्ति प्रमाणम, ऐसा लक्षण कर देंगे तो फल कुछ न कुछ फल तो सिद्ध होगा, क्या फल सिद्ध होगा पता नहीं। जो साध्य मुझे सिद्ध करना वो सिद्ध होना कोई जरूरी नहीं, यानी केन प्रकार लेंगे तो एक निश्चित प्रकार है ना, तो फल सिद्ध होगा ना, यद किंचित प्रकार फल थोड़ी सिद्ध होगा। निश्चित प्रण यही था आपको, भाई सत्व सिद्धि कर ले, आपने ये कहा था जीवित से ग्रह सत्तम ये लेना पड़ा, निश्चित प्रकार है या नहीं, यानी केन प्रकार थोड़ी भाई सत्व सिद्ध करोगे, जीवित सत्व ग्रह असत्व रूपी प्रकार के द्वारा ही भाई सत्व सिद्ध हो सकता है, यानी केन प्रकार नहीं, ये विशेष लेना पड़ेगा। तब पूर्व पक्ष कहेगा फिर छोड़ो इस लक्षण को, अनुपत्ति भी लक्षण नहीं है, अनतानुपत्ति भी लक्षण नहीं है, सिद्धे न अनुतानुपत्ति को भी लक्षण नहीं कहूँगा। यदि जो जीवितत्व नाम का चीज नहीं रहेगा, गृह असत से क्या लेना देना है आपको, वो प्रमाणों का तो दोनों तीनों ज्ञानों का विरोध के कारण से वैसत्व को कल्पना करना पड़ रहा है। इसे तीनों को मिला करके आपको वाक्य बनाना पड़ेगा, जीवितत्व सती गृह असत्वम, ये मुख्य है, स्वाश्रित उसके केवल निमित्त कारण बना, जीवितत्व मुख्य है। यदि जीवितत्व का निश्चय ना होता उसको, अगर पहुंचता ही नहीं तो स्वाश्रित को कहां से देखता, विचार करके देखो। यदि उसको जीवित पहले शतजीवी नहीं जानता तो अपने गांव से उस गांव जाता ही नहीं, वो यही सोचता देवता मर गया। इसे कहानी से शुरू करते हैं, पहले उसने ज्योतिष से जाना तब वो घर गया, घर गया तो पहले उसको ग्रहसत्व दिखा, घर में नहीं है ये जाना, फिर आप कौन है जी, बहन है, माँ है, कोई और है, तब वो कह नहीं नहीं आप जिनको खोज रहे उनकी पत्नी, बाद में ज्ञान हुआ वो निमित्री बनता था पति के प्रति। गृह असत्व के निश्चय के लिए पहले प्रवृत्ति मुख्य है, उस गांव से उस गांव जाना जरूरी है, गया कब वो जो सत्य जीवित को जाना, ये तो भिन्न भिन्न निमित्त नहीं रहा गया, ये जीवितत्व सत्य प्रवृत्ति हुई तो गृह असत्व का पहले निश्चय हुआ। गृह असत्व का निश्चय होने के बाद उसमें एक बल दिया, उपोद्बलक कहते हैं हम लोग, इस हेतु के लिए उपोद्बलक बना, उसे पता चले उसकी, मान लो उसके पता ही नहीं चलता उसकी पत्नी है, गया पूछा नहीं है बोल दिया चल दिया, तब ये तो उसने पूछा आप कौन है, उसने कहा आप जिसको पूछ रहे हैं उन्हीं का पत्नी हूं, से ये निमित्त कारण नहीं बन सकता अर्थापत्ति के प्रति। अर्थापत्ति के कारण मुख्य वही दो है, जीवित सती ग्रह असत्तम, ये आनुषंगिक है, पीनत्व दृष्ट है, या ग्रह असत्व दृष्ट है। सुहासन तो गौण है, उत्तरवर्ती है, वो तो पहले जीवितत्व के निश्चय सबसे मूल जड़ है। यदि जीवतत्व है निश्चय ना होता तो उस घर जाता ही नहीं, और घर नहीं जाता तो सूर्य उसका दर्शन कहां से, सुहासन की मतलब ही नहीं। आप तो जैसे वहां पर भी किया, ज्योतिष ने कह दिया, जिस पर आप पुरुष मान के कहा तो रहे 100 साल है, हो सकता हो ना भी हो, चलो फिर भी देखते हैं, वहां भी संशयपुर का प्रवृत्ति है, लेकिन बिना पहले सत्यजीवित्व ज्ञान का संशयपुर प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। वो सत्यजीवित्व का ज्ञान क्या है, ज्योतिष के शब्द प्रमाण है, उसको कह रहा है शालिकनाथ, शब्द प्रमाण से उसका मालूम होगा आप पुरुष से कि 100 साल जीने वाला आदमी है वो, तुम जाओ। प्रवृत्ति का मूल आधार वो है, इसे अर्थापत्ति के जड़ को हम छोड़ देते, अर्थापत्ति कैसे करेंगे सुहासिनी के आधार पर, इसे मूल आधार सत्यजीवित्व, उसके वजह से गया, वह दूसरा आधार उसको मिला गृह असत्व, इतना ही पर्याप्त है बहिसत्व के लिए, अन्य निमित्त कारणों की जरूरत नहीं है। वो सुहासिनी का ज्ञान क्या कर रहा है वास्तव में, सत्यजीवित्व को पुष्ट करता है केवल, वो क्या कर रहा है, सत्यजीवित्व ज्ञान जो था प्रवृत्ति का मूल कारण उसको पुष्ट कर रहा है, इसे वो अर्थापति हेतु नहीं बनेगा, अर्थ तो मूल हेतु सत्यजीवित्व है, इससे इनकी युक्ति मजबूत ऐसा नहीं है कह रहे हैं, लेकिन अनुमान की जा सकती थी, वो अनुमान को न मान करके अर्थापत्ति कर,
क्योंकि ऐसे भी स्थल है जहाँ अनुमान कर नहीं सकते आप, अदृष्ट पदार्थ होंगे कैसे कर करता पति के बिना। जैसे उन्होंने भी शब्द प्रमाण क्या कर अदृष्टार्थ के लिए शब्द प्रमाण माना अपौरुष वाक्य मंत्रत्व। इसे जो शब्द प्रमाण का विषय नहीं है ऐसे अदृष्ट पदार्थों के लिए हमें अर्थापत्ति करनी पड़ेगी अदृष्ट पदार्थों के। ये तो ये सार अपूर्व की सिद्धि क्या है, याग याम नष्ट हो गया स्वर्ग मिला नहीं, अपूर्व सिद्ध कैसे करते अर्थापत्ति प्रमाण से, बीच अपूर्व मानना पड़ेगा, अपूर्व माने बिना याग जो स्वर्ग का साधनत्व नहीं सिद्ध हो रहा है, प्रत्यक्ष सिद्ध बात है खंडित होता है वहां पर, इसलिए अपूर्व को मानना पड़े। ऐसे स्थलों के लिए अर्थापत्ति प्रमाण की जरूरत है, लेकिन उस प्रमाण को समझाने के पहले इसको समझाना जरूरी है लौकिक दृष्टांत से, इसे लौकिक दृष्टांत दृष्ट अर्थापत्ति उठाया गया है। तब वो कहते फिर छोड़ो एक दूसरा लक्षण हम मनाते प्रमाण और विरोधानुपत्ति चेत न प्रमाण और विरोधानुपत्ति ही। ये मंडन मिश्र जी हैं मीमांसा अनुक्रमणिका नाम का ग्रंथ में वो लिखते हैं जीवती देवदत्ता ये जो है शब्द प्रमाण, देखो स्पष्टी बोल रहे देखे किसी ज्योतिषी के आप्त वाक्य रूप शब्द प्रमाण से अवगत होता है जीवती देवदत्ता, और अनुपति प्रमाण यह प्रमाणित करता है कि देवत गृह नास्ति। इस प्रकार सत्वासत्व रूप विरुद्धार्थ सत्व कह रहा है जीवी देवतत्व, सत्यजीवी कहकर सत्व सिद्ध हो रहा है और असत्व सिद्ध हो रहा है अनुपति प्रमाण से, इन दोनों ज्ञान प्रमाणिक विरोधी पदार्थ कर सत्व असत्व विरोधी पदार्थ है लेकिन प्रमाण का विषय। तो विरुद्धार्थ के गमक दो प्रमाणों का विरोध उपस्थित होता है जो कि उपपन्न नहीं है अनुपन्न से, प्रमाणों के दो प्रामाणिक ज्ञान के विषयों का विरोध के कारण जो अनुपत्ति है उसकी उत्पत्ति करने के लिए अर्थापत्ति की जरूरत है। यह मान कि विरुद्ध या बाह्य अर्थ का प्रकाशक ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता है, वृद्धार्थ का प्रकाशन करे वो प्रमाण ही हो सकता, या बाह्य अर्थ का प्रकाशन करे वो प्रमाण ही माना जा सकता, यानी है दोनों प्रमाण से ज्ञान दोनों ही प्रामाणिक है। वृद्धार्थ वो प्रकाशन कर रहे उस स्थिति में क्या करना है, उन दोनों प्रमाणों का विरोध दूर करने के लिए देवदत्त के गत बहिसत्व का कल्पना की जाती है, उसी का नाम अर्थापत्ति है। उसको ने लिखा प्रमाणेन प्रमाणस्य विरोध अन्यार्थ कल्पनाम अर्थापत्तिमपि स्वार्थे वदन्त्यव्यभिचारिणी। एक प्रमाण के साथ दूसरे प्रमाण का विरोध होने पर एक अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है उन दोनों का परस्पर विरोध को समाप्त करने के लिए, विरोध निवृत्ति के लिए विरोध का परिहार रूपेण आप एक अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है, वह स्वार्थ में अर्थापत्ति कहा जाता। अव्यभिचारिणी अर्थापत्तिम आह, ऐसे उनके सिद्धांत को लेकर कह रहे हैं। उसे खंडन शुरू में सांख्य के आधार पर करते हैं कि सांख्य दर्शनकार ने कहा है विरुद्ध यो प्रमाण यो विषय व्यवस्थया अविरोध आपादन अर्थापत्ति विषय इत्यपास्थम, खंडन कर दिया उन्होंने क्यों अवच्छिन्न अनवच्छिन्न और विरोधाभाव, अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न दो विषयों का परस्पर कोई विरोध नहीं हो सकता, ये हेतु उन्होंने दी है। उसी के आधार पर सिद्धांत जब जवाब देती चे न क्यों असिद्धत्वात्, इतना ही कह देता है असिद्धत्वात्, मैंने प्रमाणों में परस्पर विरोध ही असिद्ध है, यदि विरोध है एक प्रमाण है एक अप्रमाण मानना पड़ेगा, ये एक प्रामाणिक है दूसरा अप्रामाणिक मानना ही पड़ेगा, दोनों में दोनों प्रमाणों और विरुद्ध पदार्थ का अर्थन कर रहे हो और दोनों पर विरोधी प्रमेय पदार्थ का अर्थन कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस अयम घटा अयम पटा दोनों प्रमाण है, दोनों का प्रमेय को प्रमाण मान लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विरोधी नहीं है ना दोनों, या तो भाव और अभाव कथन कर रहा है, सत्व और असत्व का विरोधी ज्ञान हो रहा है, इसे या तो सत्व प्रामाणिक होगा या तो असत्व प्रामाणिक होगा। वही करे दोनों के दोनों प्रमाण परस्पर विरोध कहीं भी नहीं देखा गया है, अतः ऐसा लक्षण असंभव दोषग्रस्त है मने अयुक्त है।